हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक जैसे कि कोरोना पेंडेमिक के कारण फिर से एक बार लॉकडाउन हुई है और क्लासेस ऑलमोस्ट बंद है सब जगह। तो अभी के टाइम में एकमात्र सहारा अभी ऑनलाइन क्लास ही है, तो अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह है हमारा विसरण, परासरण एवं परासरण दाह। तो हमारा आज का टॉपिक है विसरण, परासरण एवं परासरण दाह, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ और टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। विसरण, विसरण एक ऐसी घटना है जो हमारे एनवायरनमेंट में, आप वातावरण में शुद्ध रूप से आप इसको देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस कंटेनर की, तो हमने क्या किया कि मान लो दो तरह के अवयव इसमें डाल दिए। नीचे क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं। सपोज करो इसमें क्या डाल देते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, और ऊपर में ये दूसरा अवयव हम जल ले लेते हैं। ये हम क्या किए, जल ले। अब पोटेशियम परमैंगनेट और जल की जहां तक हम बात करेंगे, तो पहले तो दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन एक समय इंटरवल के बाद पोटेशियम परमैंगनेट और जल एक दूसरे में मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा। जैसे अगर आप किसी कलर को और पानी, जैसे पानी में आप कोई रंग डालते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, एक दूसरे में मिल जाता है। या तो उसको हिलाओ तब मिल जाएगा, या फिर थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो दोनों अगर घुल मिल जा रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या कोई भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो प्रक्रिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया सकता है। लेकिन सबसे जो शॉर्ट मेथड है डिफाइन करने का, वह ये हो सकता है कि जब, ऐसे लिख सकते हैं, अणु, लिखिएगा अणु अथवा आयनों की अधिक सांद्रता से, अणु अथवा आयनों की अधिक सांद्रता से के क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र में, ऐसे लिख सकते हैं अणु अथवा आयनों की कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक है,
अणु अथवा आयनों की कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ठीक है, जल्दी कहो। अब देखिए, अब हम लोग ये विसरण तो हम लोग समझ रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परासरण। तो यहाँ पर देखिएगा परासरण क्या होता है, परासरण पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग बात करेंगे परासरण। ठीक है, परासरण जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। देखिए, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें क्या किया जाता है कि दो बर्तनों को इस तरह से कनेक्ट करके, या आप अलग तरह के अपरेटस भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप क्या करो कि एक कंटेनर इस तरह से ले लिया गया और इसका दूसरा आर्म जो है सो यहाँ पर रख दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ बनाओ, इसी फिगर समझा सकता है, या कहीं कहीं पर बुक वगैरह में एक ही डायग्राम में दो सेपरेट करके बना दिया जाता है, तो गलत कोई भी नहीं है। आपको समझने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई। अब होता क्या है कि इस दोनों साइड के दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में एक हम लोग झिल्ली लगा देते हैं और इसका नाम होता है, इसका नाम होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका नाम क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको चाहे तो नीचे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर ही देख लेते हैं। इसके बीच में एक क्या लगा दिया गया? अर्ध पारगम्य झिल्ली। और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में एक तरफ हम क्या करते हैं, बिलियन के कणों को डाल देते हैं। सपोज करिएगा इस साइड, अगर हम इसको ए पार्ट माने इस पूरे सिस्टम का, तो इधर कौन से कण हो जाएंगे? विलयन के, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन जब भी होगा तो उसमें विलेय और विलायक दोनों तरह के कण जो है सो ऑलरेडी मिले हुए होंगे। और हमारे एपरेटस का दूसरा पार्ट जो होगा उसमें विलायक के कण घुले हुए होंगे। इसमें क्या घुले होंगे? तो विलायक के कण। इसको ऐसे लिख देते यहाँ पर विलायक। अब देखिएगा यह दोनों में डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में क्या होता था, सांद्रता क्षेत्र की बात करते थे, तो ऑस्मोसिस में हम लोग ये जानते थे कि अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर जाते थे, अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर। यहाँ पर यह जो विलायक होगा वह निम्न सांद्रता क्षेत्र वाला होगा। विलायक का क्षेत्र निम्न सांद्रता क्षेत्र, निम्न सांद्रता क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा? निम्न सांद्रता क्षेत्र। और इधर की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? उच्च सांद्रता क्षेत्र। ठीक है, एक हो गया निम्न सांद्रता क्षेत्र, एक हो गया उच्च सांद्रता क्षेत्र। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर विलायक के कण विलयन की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है ना? तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो अगर आप में से कोई डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो पहले फिगर देख लो एक बार, फिर हम डेफिनेशन इसको लिखा देते हैं। लिखिएगा विलायक के अणुओं का
इधर से लिखना है आप लोगों को, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर बिलियन की ओर जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, अथवा इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, इस घटना को ऐसे भी बोला जा सकता है कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर बिलियन की ओर जाने की प्रक्रिया, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं विलायक, या ऐसे करिएगा से बोल सकते हैं विलियन के अवयवों का वहां पर उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर, यहां पर निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर का निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अब देखिए, दो तरह के आर्टिकल हो गए, आप चाहें तो इसको मर्ज भी कर सकते हैं या अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर बिलियन की ओर जाने की प्रक्रिया, या फिर बिलियन के अवयवों का निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाने, अथवा उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर जाने की, निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। अब आता है हमारा अगला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्योंकि यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली की चर्चा हुई है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ये हमारा अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है वो क्या है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब ऐसा बोला जा सकता है, एक तरह का एक पर्दा है, मेम्ब्रेन है, तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। लिखिएगा वैसी झिल्ली, झिल्ली लिखते जाइएगा, जो अपने में से होकर केवल
विलायक के कणों को पार करने दे दे उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कहता है वैसी झिल्ली जो अपने में से होकर केवल विलायक के कणों को पार करने दे उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। विलायक के कण का मतलब ये नहीं कि विलेय को पार करने दे, सिर्फ और सिर्फ विलायक को पार करने दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जंतु झिल्ली। झिल्ली में बकरे का आमाशय का आमाशय, ठीक है, अंडा, अंडे का खोल, खोल लोग बोलते हैं, शेल बोल देते हैं, कवर जिसको किया हुआ होता है। और वैसे इसके अंदर जो हम लोगों ने लिया है वो कॉपर फेरोसाइनाइड लिया गया है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं CuFeCN6। ये भी जो है सो एक प्रकार का अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करता है। अब इसमें हम दो सिस्टम आप देख सकते हैं कि अगर आपको प्रक्रिया देखनी है विसरण और परासरण में से, तो एक काम करिए, दो अंडे ले लीजिए, दोनों के कवर को आप खोल दीजिए और हटा देने के बाद एक को आप रख दीजिए, एक कवर को आप रख दीजिए HCl के अंदर और एक HCl में करके, और फिर दूसरे एक को रख दीजिए आप नमक के घोल के अंदर और दूसरे को रख दीजिए आप आशुद्ध जल के अंदर। तो जो आशुद्ध जल के अंदर जो रखा जाएगा वह अंडा फूल जाता है और जो नमक के अंदर रखा जाता है वो सिकुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अंडे का मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा कि वो आशुद्ध जल जो होता है वह निम्न सांद्रता क्षेत्र है तो वहाँ से आराम से वो घुस जाता है उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर। तो निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर तो वहाँ पर परासरण होता है। लेकिन जब नमक की बात करेंगे तो नमक की सांद्रता ज़्यादा होती है तो वो अंदर से जो है सो अवयव जो है वो निकलता है और निकल के वो उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता में चला जाता है। तो दोनों अलग अलग घटनाएँ होने लगती है। तो एक में अंडे नमक वाले में अंडा सिकुड़ जाता है और आशुद्ध जल वाले में अंडा जो है सो फूल जाता है। इसी पर आता है कि परासरण एवं विसरण में अंतर क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस देखेंगे। पहले आप लोग ये कॉपी कर लिए होंगे तो लिए। इसको मिटा दे रहे हैं। अब आता है परासरण एवं विसरण में अंतर। हम लिखते नहीं हैं, आपको बोल देते हैं 4-5 पॉइंट, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये बनाओ, परासरण एवं विसरण में अंतर लिखें। ठीक है, तो एक तरफ आप कर दो परासरण, और एक तरफ कर दो विसरण। हम 3-4 डिफरेंस आपके सामने बोल देते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है, ठीक है। तो परासरण वाले में पहला लिखेगा, परासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। लिखोगे, परासरण की क्रिया में
अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण में लिखो, विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया दोनों का। इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्ध पारगम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड लिखिएगा, लिखो, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। देखिए, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। इधर लिखिएगा, विसरण की क्रिया में विलायक एवं विलेय दोनों ही अणु, विलायक एवं विलेय दोनों ही अणु भाग ले सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा, परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में अणु निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। और विसरण की क्रिया में लिखिएगा, विसरण की क्रिया में अणु अथवा आयन उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। उसके बाद परासरण की क्रिया केवल विलयनों में होती है, परासरण की क्रिया केवल विलयनों में होती है। और इधर लिखेगा, विसरण की क्रिया विसरण की क्रिया द्रव एवं गैस दोनों में होती है। विलयन में भी द्रवीय विलयन की बात कर लीजिएगा वहां पे, ठीक है। और यहां पर ये द्रव और गैस दोनों में होती है, ठीक है। जल्दी करते हैं, ठीक है। यहां पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब लगाया जाता है। लिखिएगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब लगाया जाता है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण दाब लगाया जाता है। और इस तरफ लिखिएगा, विसरण की क्रिया को रोकने के लिए कोई दाब नहीं लगाया जाता है, रोकने के लिए कोई दाब नहीं लगाया जाता है, यानी कि यह रुकता ही नहीं है। जैसे हवा में अगरबत्ती का सुगंध, हवा में परफ्यूम का घुलना, पोटेशियम पर मैग्नेट और जल, तो ये सारे के सारे परासरण एवं विसरण के अंतर हो गए, ठीक है। तो हमने क्या बात की आज, हमने विसरण के बारे में बात की और परासरण के बारे में, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, सारा चीज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे आपके विसरण और परासरण दाब की बात करेंगे। आप लोग इसको कॉपी करें पहले, उसके बाद।